मिस्टू आप बताओ अपने बारे में। आपका नाम क्या है? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? दसवीं में। आप कितने इयर्स के हो? मैं 5 की हूँ। सही सही बताओ। आप की इयर्स के हो ना? यस। फ्रेंड्स, ये है प्रीनी, ये है मिस्टी, मैं हूँ इनकी मम्मा रितु आर्या। आज हम अपना एक नया चैनल शुरू करने चाह रहे हैं जो कि है किड्स से रिलेटेड, जिसमें आपको प्रीनी और मिस्टू के बहुत सारे गेम्स देखने को मिलेंगे, मस्ती देखने को मिलेगी, स्टोरीज, सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। हमारे चैनल पे बने रहिएगा, हमारे वीडियोस को पूरा देखिएगा और देखते हैं आज प्रीनी और मिस्टी फर्स्ट वीडियो में क्या चैलेंज करते हैं। चलो मिस्टी एंड प्रीनी, आप रेडी हो? चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पहले करने जा रहे हैं स्टडी चैलेंज। मैं प्रीनी और मिस्टू दोनों को एक स्टडी चैलेंज दूंगी और देखेंगे कि दोनों उसमें कैसा परफॉर्म करते हैं। स्टडी तो बहुत इजी होती है, लेकिन पता नहीं मामा क्या क्या डिफिकल्ट चीजें देंगी। वो तो फ्रेंड्स अभी देखने में पता चलेगा कि कौन स्टडी में ज्यादा अच्छा है, प्रीनी या मिस्टी। और जो जीतेगा उसे मिलेगी सरप्राइज। ठीक है, तो अभी हम अपना वीडियो स्टार्ट करें। आज मैं इनको देने जा रही हूँ स्टडी चैलेंज, लेकिन इसमें ये दोनों सोच रहे हैं कि आज मामा हमें क्या स्टडी चैलेंज देने जा रहे हो। होगा तो बहुत सिंपल सा ही, लेकिन उसमें बहुत मजा आने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश का चैलेंज, इंग्लिश में इनको क्या क्या आता है। जैसे कि प्रीनी और मिस्टी ने आपको बताया कि प्रीनी थर्ड स्टैंडर्ड में और मिस्टी अभी नर्सरी में है, तो हम होंगे लेवल के अकॉर्डिंग ही चैलेंज देंगे। सबसे पहले मिस्टी आप मेरे को सुनाओ एबीसी। बहुत अच्छी एबीसी सुनाई है, हमें तो थोड़ी थोड़ी समझ आ गई है। आपको समझ आई कि नहीं आई, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, क्योंकि अभी वो छोटी है, अभी सीख रही है, तो उसको ऐसी ही एबीसी आती है। उसने पता नहीं वो ई एफ जी क्या क्या बोला, बस आप खुद ही समझ लेना। अब मैं अगला चैलेंज देने वाली हूँ प्रीनी के लिए, लेकिन वो होगा थोड़ा सा डिफरेंट। ठीक है, पहले हम देते हैं प्रीनी दीदी को चैलेंज। प्रीनी आपको भी सुनानी है इंग्लिश में एबीसी, लेकिन इसमें ट्विस्ट है, वो क्या है? आपको सुनानी है फटाफट उल्टी एबीसी। मिस्टी के साथ प्रीनी के होश उड़ गए, सोचा अगर इजी आ जाएगा सीधी सीधी आ जाएंगे। चलो अब प्रीनी की बारी। लेकिन इतनी टेंशन सोचने में टाइम लगता है। ठीक है, आप आराम से रहो, चलो स्टार्ट करो। Z Y X W V U T R S U V S R. अरे डिफिकल्ट है बहुत ज्यादा। नहीं, ये चैलेंज तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा दोबारा से। देखो गाइस, मम्मी को आती है। देखो मामा ने तो बहुत साल पहले पढ़ी थी, आप भी तो आप स्टडी कर ही रहे हो, तो अभी आपको चैलेंज मिले। दोबारा से शुरू कर लेते हैं, फिर से वन मोर चांस। एक बार तो आपको ट्राई करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ चैलेंज। एक बार वन मोर चांस फॉर उल्टी एबीसी, रिवर्स एबीसी। चलो जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर एस आर के बाद एस आर एस आर एस आर। सीधी सोचो फिर उल्टी सोचो। M L
कवर कर लिया है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है। चलो आज का पहला वीडियो है तो हम इग्नोर कर देते हैं। अब चलते हैं हम अगले चैलेंज की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, अगला चैलेंज मैं इनको देने वाली हूँ मैथ का। इंग्लिश हमारी हो चुकी है, अब देखते हैं इन दोनों में से मैथ का चैलेंज कौन क्रैक करता है। मैथ मिस्टी को तो पहले से चक्कर आने लग रहे हैं, तो देखते हैं इसको मैथ में काउंटिंग आती है कि नहीं। मिस्टी आपका चैलेंज है, आपको करनी है काउंटिंग 1 to 10। चलो हमें काउंटिंग सुनाओ। काउंटिंग सुनाओ, जैसे पहले एबीसी सुनाई थी ना। अच्छे से खड़े होकर खड़े होके बताओ गाइस को, फ्रेंड्स को चक्कर आ रहे हैं खड़े होके। चलो चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 11 19 14 15 16 17। आ गई मिस्टर की काउंटिंग पूरी हो गई। 9 कहाँ गया? 10 12 14 16 15। चलो की काउंटिंग तो पूरी हो गई, अच्छी थी, बहुत अच्छा। 10 से भी ऊपर सुना, बहुत अच्छा किया आपने। चलो मिस्टी अब दीदी को क्या चैलेंज दोगी आप मैथ का? क्या सुनाए दीदी मैथ में? मैथ में एबीसीडी अब समझ ही गई होगी मिस्टी को क्या क्या आता है। चलो आप प्रीनी आपका चैलेंज है अगेन इट्स अ मैथ का चैलेंज, तो आपको भी काउंटिंग ही करनी है, लेकिन आपको बैकवर्ड काउंटिंग करनी है 50 to 40। वो भी हिंदी में। Yes, this is your challenge. अटक गई। 42, 43, 44 बैकवर्ड 50। रुक जाओ, पहले 40 से 50 तक हिंदी में सोचने दो। देखो हिंदी में बच्चों को आजकल कुछ नहीं आता। अरे मम्मी से सिखाई थी, थोड़ी सी भूल गई। चलो बोलो, चलो सीधी काउंटिंग सुना दो हिंदी में। अरे पचास। फाइनली सीधी तो सुना दी इसने हिंदी में। चलो 50 अब उल्टी 49 अब अरे 49 50 49 अरे मेरी प्रीनी आउट हो गई। अब प्रीनी को उल्टी कितनी नहीं आती, वो भी हिंदी में। चलो इंग्लिश में सुनाओ। चलो सुना, अच्छा हिंदी में तो मैंने सीधी सुनाई थी बैकवर्ड। 50 49 48 47 46 45 44 42 41 40। फाइनली मैथ पूरा हो गया, तो दोनों ने इस चैलेंज को कर लिया, आधा अधूरा टूटा फूटा जैसे भी किया, मुझे बताना आपको कैसा लगा। अब हम चलते हैं अगले चैलेंज की तरफ। चलो आया है हिंदी का चैलेंज, देखते हैं अब मामा क्या देगी मिस्टर को, मुझे तो नहीं पता। चलो इनके लिए सरप्राइज अब खत्म कर देते हैं। हिंदी के चैलेंज में क्या होने वाला है? तो अब मैं तुम दोनों से पूछूंगी हिंदी में। अभी मैं कहा तो नहीं देने वाली हूँ, लेकिन मैं हिंदी के जो अक्षर आपको बताऊंगी उस पे आपको कोई एक चीज का नाम बताना है, इजी और सिंपल सा। मिस्टी खसे टपटल, खसे खरगोश, खसे खसे खरगोश हो गया, छोटा खरगोश हो गया, गसे टमला। फ्रेंड्स को बताओ आके, गसे खसे टमला, फ्रेंड्स खसे टमला, खसे टमला, खसे मुझे छ से चम्मच, चम्मच मिशी छ से चम्मच, छ से अम्ब्रेला, छतरी 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 छतरी।
इसकी हरकतें आपको टॉलरेट करनी पड़ेगी। चलो प्रेमी से पूछते हैं अगला। प्रेमी आप आ जाओ, आप सुनाओ। हसे हसे हल। ओके पसे प्रेमी। ठीक है, नाम तो है आफ्टर ऑल। ओके ससे स सी। क्या शेर को और भी कहते हैं वो, कुछ और बताओ। प्रोनाउंस करना नहीं आता। सर से कुछ और बताओ। सूरज। यस, तो अभी इनका हिंदी का चैलेंज पूरा हो गया है। आप दोनों को अब चैलेंज कर दिया। आई होप आपको फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा होगा, सभी बच्चों को पसंद आ रहा होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले चैलेंज को। अब मैं इनको अगला चैलेंज देने वाली हूँ राइम्स का। पोइम हो सकती है, राइम्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एक ही जो भी इनको समझ में आता है सुना सकते हैं। चलो मिस्टी पहले आपको सुनानी है कोई एक राइम पोइम, सुनाओ हमें। इधर आके सुनाओ, स्टैंड अप करके, स्टैंड अप एक्टिंग करके। मच्छी टट्टी लानी है केवल उसका पानी है, आग तल तो टट्टी की बहा मेरा बहा निकाला तो मच जाएगी, पानी में डाला तो टट जाएगी। वेरी गुड, मिस्टी ने बहुत अच्छे से सुनाया। अब बारी आती है प्रेमी की। प्रेमी भी हमें सुनाएगी अच्छे से राइम। सामने आके सुनाओ। देखते हैं प्रीति क्या सुनाती है। मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल, दादी की बिंदिया गोल गोल, दादा का चश्मा गोल गोल, ऊपर चंदा ऊपर सूरज गोल गोल, ऊपर पंखा गोल गोल, हम भी गोल तुम भी गोल, सारी दुनिया गोल गोल। ये तो दोनों को राइम्स आती है, बहुत अच्छी दोनों ने गाई राइम्स। अच्छा अब तुम दोनों को एक इंग्लिश में राइम गानी है। आपस में एक्टिंग करके कुछ भी सुनाना है हमें ताकि हमें मजा आए। मिस्टी आप क्या सुनाओगे? मिस्टी क्या सुनाएगी? मिस्टी क्या सुनाएगी? जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइन नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। मिस्टी आपको ये आती है राइम? आपको ये राइम आती है? आपको आती है ये राइम? मिस्टी का तो फ्रेंड्स नींद आ गई है। अभी देखो जैसे मैं इसको गुदगुदी करूंगी तो इसकी सारी नींद भाग जाएगी। देखो इसकी सारी नींद जा रही है, गुदगुदी करने से सारी नींद जा रही है, गुदगुदी करने से सारी नींद भाग रही है इसकी। देखो फिंगर इतनी दूर है फिर भी इसकी गुदगुदी हो रही है। मैजिक गुदगुदी, हमें मैजिक गुदगुदी आती है, दूर से ही गुदगुदी हो जाती है। आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर, सब्सक्राइब करना। इसके अलावा अगर आप हमारे रील्स भी देखना चाहते हो बच्चों की, तो प्रीमी एंड मिस्टी शो के इंस्टाग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे इंस्टाग्राम रील बाय बाय लव यू गाइस, लव यू बाय बाय। बहुत अच्छे अच्छे फनी फनी चैलेंजेस और अच्छी अच्छी मॉरल स्टोरीज और राइम्स देखना आते रहा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, बाय 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 बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलना। Bye.